देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बीते 24 घंटे में सामने आए। 68,000 से अधिक मामले, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 29,00,000 के पार। शिवराज सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को मिली बड़ी राहत। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा, जब तक नया बंगला आवंटित नहीं होता तब तक B4 बंगले में रह सकेंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह ने उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को समर्थन करने का किया ऐलान। सिंधिया को गद्दार बताए जाने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को सुनाई खरी खोटी। भारत चीन सीमा पर तनाव जारी, दोनों देशों के बीच राजनयिकों की मौजूदगी में हुई चौथी बैठक रही बेनतीजा। चीन नहीं छोड़ रहा अपना अड़ियल रवैया। एमपी में हुआ कोरोना ब्लास्ट, बीते 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 1,142 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 49,000 के पार।